हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ मेज क्रॉप जो कि बहुत सारे एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे जीआरएफ आर एफ एगरनामी आई बी एफ सी और अदर जितने भी पी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं इससे पहले भी हमने दो क्रॉप में वीडियो बना रखी है एक राइस क्रॉप पर जिसमें हमने टॉप फिफ्टी क्वेश्चन को डिस्कस किया है उसके अलावा हमने एक वीट क्रॉप पर भी वीडियो बनाई है और ये वीडियो दो पार्ट में आएगी ये इसका पहला पार्ट है इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें रिमेनिंग जितने भी 25 क्वेश्चंस बचेंगे इसके इंपॉर्टेंट होंगे जो उसको हम डिस्कस करेंगे तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से वट इज़ द क्रोमोजोम नंबर ऑफ मेज क्रॉप मेज क्रॉप का क्रोमोजोम नंबर क्या है ऑप्शन दे रखे हैं बीस चौबीस चौदह और बयालीस यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्वेंटी सो द क्रोमोजोम नंबर फॉर मेज क्रॉप इज ट्वेंटी अदर ऑप्शन को देखें तो यहाँ जो ऑप्शन बी है ट्वेंटी फोर इट इज फॉर राइस क्रॉप ऑप्शन सी इट इज फॉर पर्लिलेट और ऑप्शन डी फोर्टी टू इट इज फॉर वीट क्रॉप तो यहाँ पर चार क्रॉप्स के दे देखें ए ऑप्शन में हमारा ट्वेंटी इट इज फॉर मेज क्रॉप ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर इट इज फॉर राइस क्रॉप फोर्टीन इज फॉर पर्ल एंड फोर्टी टू इट इज फॉर वीट क्रॉप वीट क्रॉप इज अ अग्जाप्लाइट टू एंड इज इक्वल टू फोर्टी टू यह है क्रोमोजोम नंबर ऑफ वीट क्रॉप क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मेज क्रॉप मेज क्रॉप का ओरिजिन क्या है ऑप्शंस हैं इंडो रीज़न, साउथ वेस्ट एशिया मैक्सिको एंड अफ्रीका यहां इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको सो द ऑरिजिन ऑफ मेज क्रॉप इज मैक्सिको यानी कि यहां से ओरिजिनेट हुई थी मेज क्रॉप अदर ऑप्शन को देखें ऑप्शन ए इंडो इंडोवरमा रीजन इट इज फॉर राइस ऑप्शन बी साउथ वेस्ट एशिया इट इज फॉर व्हीट क्रॉप और जो ऑप्शन डी है अफ्रीका यह है सौरघम क्रॉप के लिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द टेस्ट वेट ऑफ मेज क्रॉप मेज क्रॉप का टेस्ट वेट क्या है टेस्ट वेट क्या होता है वेट ऑफ थाउजेंड सीड्स अगर हम थाउजेंड सीड्स का वेट लें तो उसको हम कहते हैं टेस्ट वेट और दूसरी चीज होती है सीड इंडेक्स सीड इंडेक्स इज मेजर्ड फॉर हंड्रेड सीड्स अगर 100 सीट का वेट लेंगे तो उसे सीड इंडेक्स कहेंगे और हजार सीट का लेंगे तो टेस्ट वेट कहेंगे उसे तो मेज क्रॉप के बारे में बताना है तो मेज क्रॉप में ऑप्शन डी 200 हंड्रेड टू टू ग्राम इट इज़ द टेस्ट वेट फॉर मेज क्रॉप अदर ऑप्शन को देखें 21 वन ग्राम इट इज़ फॉर बासमती राइस बासमती राइस का होता है ये टेस्ट वेट और 25 ग्राम ये होता है जनरल जो कॉमन राइस होते हैं ना कॉमन राइस की वैराइटी उसके लिए ट्वेंटी ग्राम होता है हमारा टेस्ट वेट और जो फोर्टी ग्राम है इट इज़ फॉर वीट क्रॉप फोर्थ क्वेश्चन इज विच क्रॉप हैज़ अ मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल है यानी कि जितना अभी वो प्रोड्यूस कर रही है उससे भी ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर सकती है तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वीट चिक्पी मेज एंड राइस इनमें से राइट right आंसर है ऑप्शन सी मेज क्रॉप सो द मेज क्रॉप हैज अक्सिमम यील्ड पोटेंशियल इन द वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन सी है क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे कहा जाता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेज क्रॉप तो मेज क्रॉप को कहा जाता है क्वीन ऑफ सीरियल ड्यू टू इट्स हाई यील्ड पोटेंशियल अब क्वीन की तो बात कर ली किंग किसे कहा जाता है किंग वीट क्रॉप को कहा जाता है सिक्स्थ क्वेश्चन इज एंसेस्टर ऑफ मेज क्रॉप इज मेज क्रॉप का एंसेस्टर या बोल लें प्रोजिनेटर स्पीसीज कौन सी है यानी कि ये क्रॉप कहां से ओरिजिनेट हो रखी है इसकी एक वाइल्ड स्पीसीज है उसका नाम आपको यहां पर बताना है ऑप्शन दे रखे हैं ग्लाइसिन सोजा और आइजा रुफी पोगोन टीओसिनटे एंड द साइंटिफिक नेम इज़ यूक्लियना मैक्सिकाना तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है टीओसिंटे। सो टीओसिंटे इज द एंसेस्टर ऑफ मेज क्रॉप ऑप्शन डी भी दे रखा है विग्ना रेडेटा वेराइटी सब लोग बटा देखो यहाँ मैंने जितने भी ऑप्शन इंक्लूड कर रखे हैं ये किसी न किसी क्रॉप के एनसेस्टर हैं अब जो ऑप्शन ए है ग्लाइसिन सोजा इट इज़ फॉर ग्लाइसिन मैक्स दैट इज सोयाबीन सोयाबीन का जो प्रोजिनेटर है वो है ग्लाइसिन सोजा और आईजा रूफी इट इज़ फॉर राइस और जो ऑप्शन डी है विघ्ना रेडिएटा वेराइटी सबलोबाटा इट इज़ द वाइल्ड स्पीसीज ऑफ बोथ हमारा जो मूंग है और ब्लैक ग्राम दोनों का ये एंसेस्टर है विघ्ना रेडिएटा वेराइटी सबलोबाटा सेवन्थ क्वेश्चन इज मेज ग्रेन कंटेंस हाउ मच प्रोटीन जो मेज का ग्रेन होता है उसमें कितना प्रोटीन होता है ये हमको बताना है ऑप्शन दे रखें सिक्स टू सेवन परसेंट टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट एंड ऑप्शन डी फोर परसेंट यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेन परसेंट सो द मेज ग्रेन कंटेंस टेन परसेंट ऑफ प्रोटीन इन इट्स ग्रेन अदर ऑप्शन को डिस्कस करें सिक्स टू सेवन परसेंट हमारा होता है राइस में राइस में प्रोटीन कंटेंट सिक्स टू सेवन परसेंट होता है ग्रेन में और ट्वेल्व परसेंट होता है वीट के केस में और यहां पर जो ऑप्शन डी दे रखा है फोर परसेंट इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है ऑयल कंटेंट ऑफ मेज ग्रेन अगर हम मेज ग्रेन का ऑयल कंटेंट निकालें तो फोर परसेंट आएगा यानी कि मेज की अगर बात करें तो मेज के ग्रेन में टेन परसेंट तो होता है प्रोटीन और फोर परसेंट होता है हमारा ऑयल एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सेंसिटिव टू द बोथ एक्सेसिव मॉइस्चर एंड ड्रॉट कंडीशन दोनों केस में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्रॉप मॉइस्चर कंडीशन जो अगर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन हो जाए जैसे वाटर लॉक कंडीशन है उसके भी सेंसिटिव है और अगर ड्रॉट कंडीशन आ जाती है तो उस केस में भी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो कौन सी क्रॉप है ये आपको बताना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेज क्रॉप सो द मेज क्रॉप इज द सेंसिटिव क्रॉप टू बोथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन एंड ड्रॉट कंडीशन नाइन्थ क्वेश्चन इज मेज इज अ विच टाइप ऑफ प्लांट्स कौन से टाइप का प्लांट है मेज ऑप्शन दे रखे हैं सी फोर प्लांट मोनोसियस प्लांट ऑप्शन सी सॉट डे प्लांट और ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दी अबाउ तो बताइए क्या सही है इसमें से देखिए सी फोर प्लांट तो है ही मेज क्रॉप आपको पता होगा मोनोसियस प्लांट ये भी सही है ऑप्शन सी दे रखा है सॉट डे प्लांट ये भी सही है यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव इसका राइट right आंसर होगा सो द मेज क्रॉप इज ए सी फोर प्लांट स प्लांट एंड सॉट डे प्लांट क्वेश्चन नंबर को बताना है आपको ऑप्शन दे रखे टेसेल कॉप पेनिकल एंड बोथ ए एंड बी सो यहां पर इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी टेसेल इज द मेल इन्फ्लोअसेंस ऑफ मेज क्रॉप एंड द कॉप इज द फीमेल इन्फ्लोरसेंस ऑफ मेज क्रॉप अगर आपको प्रैक्टिकली जानना है कि मेज का इंफ्लूसेंस कैसा होता है उसकी रूट एनाटोमी कैसी है या उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या हैं अगर ये जानना है तो इस पर एक वीडियो बना रखी है हमने थ्योरेटिकल पार्ट भी है उसका और प्रैक्टिकल पार्ट भी है दैट इज बॉटनी ऑफ मेज क्रॉप ये आपको मिल जाएगी हमारे प्रदेश में वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवंथ इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेज क्रॉप इज मेज क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको बताना है यहां पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी 500 टू 800 मिलीमीटर अदर ऑप्शंस को देखें जो ऑप्शन ए है 1000 टू 2,500 मिलीमीटर इट इज फॉर राइस क्रॉप और 400 हंड्रेड टू सिक्स ये है वीट क्रॉप के लिए और जो लास्ट है जो ऑप्शन डी में दे रखा है ये इसका और वेट का एक तरीके से सिमिलर ही है दोनों को एक ही मान सकते हैं फोर हंड्रेड टू सिक्स और ये है हमारा सौरगम के लिए देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ हंड्रेड हंड्रेड मिलीमीटर से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिलीमीटर इज फॉर राइस एंड फोर हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड इट इज फॉर वीट फाइव हंड्रेड टू एट हंड्रेड इट इज फॉर और जो लास्ट में दे रखा है 450 फिफ्टी टू सिक्स फिफ्टी मिलीमीटर इट इज फॉर सोरगम क्रॉप ट्वेल्थ क्वेश्चन इज बायो फर्टिलाइजर यूज इन मेज क्रॉप इज मेज क्रॉप में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ऑप्शन दे रखे हैं राइजोबियम एजोटोवेक्टर या एजो स्पेरिलम यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एजो स्पैरिलम सो एजो स्पेरिलम इज द बायो फर्टिलाइजर यूज इन मेज क्रॉप थर्टींथ क्वेश्चन इज मेज ग्रेन आर डिफिशियंट इन विच अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड में मेज का ग्रेन डिफिशियेंट होता है यानी कि उसकी मात्रा कम होती है ऑप्शन दे रखे हैं ट्रिप्टोफिन लाइसिन ऑप्शन सी दे रखा है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर क्या है देखिए मेज का जो ग्रेन होता है वो ट्रिप्टोफिन में भी डिफिशियंट होता है और लाइसिन में भी डिफिशियंट होता है तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया और अगर बात करें मिथ्योनिन और सिस्टीन की तो ये किस में होता है डिफिशियंट इट इज डिफिशियंट इन पल्स क्रॉप मान लीजिए आपसे पूछ लिया ग्रीन ग्राम का कि ग्रीन ग्राम आर आर्टिफिशेंट इन विच अमाइनो एसिड तो वहां पर आंसर क्या होता है मिचोन एंड सिस्टीन क्वेश्चन नंबर इज मेज प्रोटीन इज कॉल्ड एज मेज के प्रोटीन को क्या कहते हैं यहां पर इसका राइट आंसर है जीन और एज एन तो हैराइस के लिए ग्लूटेन है वीट के लिए जीन है मेज के लिए और एलोमिन ये तो खैर एक का है एक के प्रोटीन को कहते हैं एल्लोमिन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए ये इंपॉर्टेंट है इन मेज क्रॉप विच कंडीशन इज फाउंड मेज की क्रॉप में कौन सी कंडीशन पाई जाती है प्रोटो एंड प्रोटोगाइस इन दोनों में से बताना है कौन सा सही है प्रोटो एंड्रस देखिए ये कंडीशन होती है जिसमें मेल पार्ट या बोले मेल इन्फ्लूस ये पहले मैच्योर हो जाता है बिफोर द फीमेल

ई एम ईस्ट और जीएसल ने हाइब्रिड माइच के कॉन्सेप्ट को कंसीव कर रखा था अदर ऑप्शन को देखें जो ऑप्शन बी दे रखा है जीएच खुश इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सुपर राइस जी एच खुस को कहा जाता है फादर ऑफ सुपर राइस और जो ऑप्शन सी है इंगो पॉट्रेकिस एंड पीटर बियर इन्होंने डेवलप कर रखा था गोल्डन राइस को तो इनको फादर ऑफ गोल्डन राइस भी कहा जाता है सेवनटींथ क्वेश्चन वट इज द जनरल स्पेसिंग ऑफ मेज क्रॉप मेज क्रॉप की स्पेसिंग बतानी है आपको यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्सटी इंटू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर है और जो ऑप्शन बी है सेंटीमीटर इट इज फॉर रवि मेज आपको पता होगा मेज को खरीफ में भी उगा सकते हैं रवि में भी उगा सकते हैं तो यहां पर जो रवि मेज का स्पेसिंग है सिक्सटी इंटू एटीन सेंटीमीटर है एटीन क्वेश्चन इज जंपिंग जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल्डन कलर ऑफ कर्नल वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई साइंटिस्ट का नाम बताना है ऑप्शन दे रखे हैं जीएसुल हल बारबरा मैकलिंटन एंड डी एफ जॉन्स तो यहां पर इसका रेड आंसर है ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटन सो द बारबिला मैकलिंटन डेवलप्स द जंपिंग जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल्डन कलर इन कर्नल ऑफ मेच क्रॉप चलिए उन्नीस सौ क्वेश्चन है डबल क्रॉस टेक्निक जिसको मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ मेच तो इसको किसने दिया था डबल क्रॉस टेक्निक को ऑप्शन दे रखे हैं सुल हल बारबरा मैकलिंटन एंड डी एफ तो यहां पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी डी एफ जो सो द डीएफ जॉन्स डेवलप द डबल क्रॉस टेक्निक फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन फॉर मेज क्रॉप तो ये आपको याद रखना है कि डी एफ जो ने डबल क्रॉस टेक्निक को डेवलप किया था बीसवा क्वेश्चन है क्वालिटी प्रोटीन मेज शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं क्यू पी एम आर डेवलप्ड बाय विच जीन कौन से जीन इसमें यूटिलाइज कर रखे थे ये आपको बताना है ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन है डीजीओवजेन नोरिनटेन ओपेक टू एंड एच क्यू पी एम वन तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओपेक टू सो द ओपेक ओपिक टू इज ए जीन विच वॉज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मेज अदर ऑप्शन को देखें डीजीओवजेन इट इज फॉर डॉर्फिन राइस ऑप्शन बी नॉरिंटेन इट इज डॉफ जीन वरायटी ऑफ वीट क्रॉप और जो लास्ट ऑप्शन है एच क्यू पी एम वन ये थी हमारी क्वालिटी प्रोटीन मेज की पहली वराइटी ठीक है देखो जीन तो था ओपेक टू और वैरायटी हमारी पहली थी एच क्यू पी एम वन इक्कीसवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न का आपका साइंटिफिक नेम बताना है ऑप्शन दे रखे हैं जी मेज इंडराटा इंडन एवराटा या टोनी तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन सी जिया मेज एवराटा अब देख लेते हैं कि मेज के कितने टाइप्स होते हैं देखो यहां पर टाइप्स दे रखे हैं ये ये कार्ड ले रखे हमने हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से एग्रेरियन 11। वहाँ पर आपको ऐसी पोस्ट मिलते रहे इसके अलावा आपको वहाँ सब्जेक्ट वाइज क्विजेज भी देखने को मिल जाएंगी एंटेमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी और जितने भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड पोस्ट होंगी वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी पहला टाइप है जी एम एस इंडूराटा इसको बोला जाता है फ्लिंट कॉर्न और इसको मोस्टली इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है दूसरा है इंडेन टाटा जिसको डेंट कॉर्न देखिए यहाँ इंडेन टाटा आ रहा है ना डेंट तो ये डेंट कॉर्न हो गया और इसको कल्टिवेट किया जाता है यूएसए में तीसरा है एवराटा जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉपकॉर्न की और चौथा है सेकराटा सेक्राटा है स्वीट कॉर्न एमाइलेशिया इट इज फॉर सॉफ्ट और फ्लोर कॉर्न छठा है ट्यूनिकाटा ट्यूनिकाटा है पॉटकॉर्न का साइंटिफिक नेम देखो एक और बच रहा है यहां पर चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा टाइप है मेज का जो यहां पर बच रहा है देखिए छह तो यहां हमने लिख रखे हैं एक सातवां है उसका नाम आपको बताना है विद साइंटिफिक नेम बाईसवा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन मेज क्रॉप ऑप्शन दे रखे हैं सेविनल रूट्स क्राउन रूट्स एंड दी ऑप्शन सी प्रॉप रूट्स एंड ब्रेस रूट्स और ऑप्शन डी देखा ऑल ऑफ दी अबाउ तो जो मेज क्रॉप है उसमें सभी टाइप के रूट्स पाए जाते हैं ऑल ऑफ़ दी अबाव सेमिनल रूट्स क्राउन रूट्स प्रॉप रूट्स एंड बेस रूट्स अगर आपको डिटेल में देखनी है वीडियो थियोरिटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है आपको प्ले में मिल जाएगी वहाँ जाकर आप जरूर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एरिया इन प्रोडक्शन ऑफ रबी मेच रबी मेच की बात हो रही है तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर है बिहार सो बिहार इज द स्टेट विच हैज हाइस्ट एरिया इन प्रोडक्शन ऑफ रवि मेज चौबीसवा क्वेश्चन है वट इज द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज हाइब्रिड मेज का सीड रेट बताना है यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 22 टू ट्वेंटी फाइव के जी पर हेक्टेयर अदर टाइप के कॉर्न की बात करें जैसे स्वीट कॉर्न है स्वीट कॉर्न का इंपॉर्टेंट है यह आपको याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ही कम होता है सीड रेट टेन के जी पर हेक्टेयर ये इंपॉर्टेंट है यह आपको याद रखना है दूसरा है कंपोजिट वेराइटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी के जी पर हेक्टेयर और तीसरा तो हमने हाइब्रिड की बात की थी 20 टू 25 केजी के जी और ऑप्शन डी जो है रबी मेच यह रबी मेच की सीड रेट ट्वेंटी टू 22 टू के जी पर हेक्टेयर और ये जो लास्ट वाला है ये फॉडर मेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 40 टू 60 के जी पर हेक्टेयर इट इज़ द सीड रेट फॉर फॉडर मेज पच्चीसवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेज पेस्ट अटैक्स मेनली इन सीडलिंग स्टेज सीडलिंग स्टेज में कौन सा पेस्ट अटैक करता है मेज में ऑप्शन दे रखे हैं मेज सूट फ्लाई स्टेम बोरर आर्मी वाम और फॉल आर्मी वाम यहां पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए मेज सूट फ्लाई सो द मेज सूट फ्लाई और इसका साइंटिफिक नेम है अथेरिगोना सोगाटा ये मेनली अटैक करती है सीडलिंग स्टेज ऑफ मेज क्रॉप यहां पर देखिए सारे पेस्ट इंक्लूड कर रखे हैं ये जितने भी मेजर पेस्ट है ना मेज क्रॉप के जैसे सूट फ्लाई है स्टेम बोरर है आर्मी वाम है फॉल फॉल आर्मी वाम है और एक कॉब एयर वाम है तो सबका यहाँ इंक्लूड कर रखा है विद साइंटिफिक नेम फैमिली एंड ऑर्डर देखिए सूट फ्लाई का तो साइंटिफिक नेम है अथेरिगोना सोकाटा स्टैमबोलर का है काइलो आर्मी वोम का है मिथिमना सेपराटा और फॉल आर्मी वाम का है स्पॉर्ड ऑप्टेरा फर्जीपर्डा ये आपको याद रखना पड़ेगा देखिए ये इंपॉर्टेंट है फॉल आर्मी वाम क्योंकि ये नया था रिसेंटली फोर टू फाइव ईयर्स हाल ही में आ रखा है ये फॉल आर्मी वाम और इसका साइंटिफिक नेम है स्पॉर्ड ऑप्टेरा फर्जीपर्डा देखिए सूट फ्लाई की बात हो रही थी क्वेश्चन में तो सूट फ्लाई क्या है एक तरीके की फ्लाई है तो ये कौन से ऑर्डर में आएगा डिप्टेरा ऑर्डर में आएगा फैमिली इसकी मस्किडी अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जितने भी ये मेजर पेस्ट हैं मेज क्रॉप के तो फ्रेंड्स ये थे आज के ट्वेंटी फाइव जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बचे हैं हमारे उसको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर